नमस्कार, मैं हूं जयंत पटनायक। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे छंद को अलग अलग तालों में किस प्रकार से बजाया जाता है। छंदों के कुछ प्रमुख बोल हैं, जैसे तो ऐसे बोल हैं जो छंदों में गिने जाते हैं। तो इनको हम अलग अलग तालों में किस प्रकार से बजाएं कि एक लगी का एक अलग प्रकार होता है और छंदों को बजाने का एक अलग तरीका होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कहरवा ताल। 8 बीट्स की ताल है। तो पहला छंद है धाती गिन तीन धाती गिन तीन धाती गिन धाती गिन तीन धाती गिन तीन धाती गिन धाती गिन तीन धाती गिन तीन धाती गिन धाती गिन तीन धाती गिन तीन धाती गिन। अब इसमें सबसे पहले धाती गिन धा ती ग बजेगा लेफ्ट हैंड की पहली फिंगर से, ग न न बजेगा तीसरी उंगली से, धाती गिन धाती गिन। तो तीन को यहां हम खुला बजाएंगे, तीन न तिन। तो जब इतनी तेज से बजेगा तो वो तिन का साउंड ही करेगा। तो अभी बोल हो गया धाती गिन तिन, फिर रिपीट होगा धाती गिन तिन धाती गिन तिन धाती गिन। तीसरी बार सिर्फ धाती गिन बजाना है। तो अब बन गया 1 2 3 1 2 3 1 2। तो 8 के बोल हो गए धाती गिन तिन धाती गिन तिन धाती गिन धाती गिन तिन धाती गिन तिन धाती गिन धाती गिन तिन धाती गिन। फास्ट में बजाएंगे, हाँ। तो ये हो गए छंद का एक बेसिक। तो मैं इसकी कुछ आपको वेरिएशंस भी बता देता हूं। तो पहली वेरिएशन है धाती गिन धाती गिन तिन तिन धाती गिन धाती गिन तिन धाती गिन तिन 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 धाती गिन धाती गिन तिन तिन धाती गिन धाती गिन तिन धाती गिन तिन तिन। मैं ये वीडियो में नीचे लिख के भी लगा रहा हूँ, तो आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कहीं राइट डाउन भी कर सकते हैं। तो इसके बोल हैं धाती गिन धाती गिन तिन तिन धाती गिन धाती गिन तिन धाती गिन तिन 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 धाती गिन धाती गिन तिन तिन धाती गिन धाती गिन तिन धाती गिन तिन तिन धाती गिन धाती गिन धिन धिन धाती गिन धाती गिन तिन धाती गिन धिन 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 ताती गिन ताती गिन तिन तिन ताती गिन ताती गिन तिन धाती गिन धिन 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 धाती गिन धाती गिन धिन धिन धाती गिन धाती गिन धिन धाती गिन धिन 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 ताती गिन ताती गिन धिन धिन ताती गिन धाती गिन धिन धाती गिन धिन धिन। तो इसको याद कीजिए और रियाज कीजिए और फिर धीरे धीरे इसको एक टेम्पो पे बजाना शुरू कीजिए। कहरवा बजाते टाइम इन बोलों को कैसे बजाया जाए आगे देखते हैं। कहरवा में छंद का प्रकार और कैसे हम वेरिएशन कर सकते हैं। आप जैसे जैसे इसको रियाज करके अपने हाथों पे बिठाते जाएंगे तो वैसे ही आप इसके क्रिएशंस अब खुद ब खुद आपके हाथों में आते जाएंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं दूसरी ताल जो है दादरा ताल। तो इन्हीं बोलों को हम दादरा ताल में कैसे फिट करें, तो आइए देखते हैं। बोल है धाती गिन तिन धाती गिन तिन धाती गिन धिन धिन नाती किन ताती किन तिन ताती किन तिन ताती किन तिन तिन ताती किन। तीन बार बजेगा धाती गिन तिन धाती गिन तिन धाती गिन, फिर बजेगा तिन तिन ताती किन। तो हाथों की पोजीशन क्या रहेगी, धाती गिन तिन धाती गिन तिन धाती गिन तिन तिन ताती किन ताती किन तिन ताती किन ताती किन तिन तिन ताती किन। ये मैं नीचे लिख के भी आपको बता रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप यहाँ राइट डाउन करके इसको याद भी कर सकते हैं। फिंगर्स की पोजीशन इस पे रहेगी धाती, जैसे बजता है धा मिडल फिंगर से वेट के साथ, धा ती मिडल फिंगर से और ग पहली फिंगर से और ना तीसरी फिंगर से, हाँ। तो छंद में एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी इसमें गिन और तिन वाले बोल हैं तो उनमें तीसरी फिंगर ही यूज होगी। धाती गिन आया और ताती किन आया बोल धाती गिन, गिन में ये बोल और तिन में
तीसरी फिंगर ही ना के लिए यूज होगी, इसमें ना हम पहली फिंगर से नहीं बजाते हैं। तो ये छंद का एक प्रकार है जिससे हाथ को चलने में बहुत सुविधा होती है। तो बोल हैं अति गिनती अति गिनती अति गिनती तीन अति गिन। अब तीन तीन बोल है तो उसमें खुला खुला हाथ रहेगा, तीन तीन अति गिन, तीन तीन अति गिन, पूरा बोल है अति गिन तीन अति गिन तीन अति गिन तीन तीन अति गिन अति गिन तीन अति गिन तीन अति गिन तीन तीन अति गिन। और इसको आप अच्छे से याद कीजिए, फिर इसको इसका रियाज कीजिए। अब दादरा बजाते समय इसको कैसे हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, लोगों को कैसे सुना सकते हैं, तो आइए देखते हैं। अगली ताल है रूपक ताल, तो इन्हीं छंदों को रूपक ताल में कैसे बजाया जाए आइए हम देखते हैं। तिन तिन ना धिन ना धिन ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो ये सात का सर्कल है। तो हमें इन बोलों को इस ताल में बिठाने के लिए इसको, इन छंद के बोलों को सेवन के सर्कल में बिठाना पड़ेगा। तो छंद के बोल बनेंगे धति गिन तिन धति गिन तिन धति गिन तिन धति गिन दिन दिन धति गिन तति गिन तिन तिन तति गिन तति गिन तिन तति गिन तिन तति गिन धति गिन दिन दिन धति गिन धति गिन दिन दिन धति गिन तिन 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 तिन धति गिन धति गिन तिन तिन धति गिन धति गिन तिन 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 धति गिन